हम लोग निकल रहे हैं, आज हमारा शॉपिंग डे है। मैं एकदम उजड़ा चमन लग रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी आई हूँ आवी के ऑफिस से, स्कूल से, सॉरी, उसका आज ओपन हाउस था तो वहाँ पास हो गया। और अभी एक्चुअली दोपहर हो गई है, मैं आई घर पे, फिर बच्चों के लिए खाना वाना बनाया। मैं ये गॉगल्स हटाती हूँ सबसे पहले तो आप, ठीक है? तो आवी के लिए एक्चुअली मैं बना के जा रही हूँ, और पापा के लिए भी मैंने बना दिया है। मैं और नोनी बाहर ही खाएंगे, आज नोनी का शॉपिंग डे है एक्चुअली। उसको अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, रक्षाबंधन का, फिर भैया के बर्थडे का, उसको अपने लिए चाहिए सामान। तो मैं कहा चलो आज का दिन ठीक है, हाँ चल रही हूँ, तो चलिए आज आपको घुमा के लाती हूँ थोड़ी सी मैक्स की, आपको थोड़ी शॉपिंग कराती हूँ वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, आप भी देखिए। जो जो लोग मेरे इस ब्लॉग को देखेंगे उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है और कपड़े वपड़े खरीदने हैं सबको, तो एक आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे किस तरह के कपड़े मिल रहे हैं। मैंने आज पहनी है साड़ी, और हस्बैंड बोल रहे हैं आज ये मम्मी लग रही है। नहीं नहीं बड़ी बड़ी वही तो। तुम्हारा किसका है? लेनोवो का है ना? थोड़ा आगे करूँ क्या गाड़ी को? तुम अंदर चलो, मैं लैपटॉप हम लेके आए थे ना, इसका जो बताओ, हस्बैंड के साथ आई थी तो आप बोले अपडेट हो जाएगा, तो वो ठीक कर्सर जो है ना उसका भाग रहा है। मैं लेके आई थी, ये ज्यादा नहीं हो रहा है, हो रहा है। यप, देखो वो पूछ रही है तो यहाँ ही बोल देते, और क्या। कौन से लेने? चॉकलेट, चॉकलेट ऑब्वियसली, वही चॉकलेट। वो खुद से पूछिए आप। हाँ ये हमने आइसक्रीम खाई है, वो रहा डिक्लाइनर। चल वहाँ पे जाते हैं, देख क्या आता है, विंडो शॉपिंग कर। ये देखो मेरे को जो वो पेंट निकल गया था ना, हाँ यार इसका पेंट निकल जाता है, लेकिन मुझे लगता है वो सस्ता वाला। बीबा में यहाँ पर सेल चल रहा है एज यूजुअल, 50% चलता है। कई बार अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, कई बार तो बहुत बेकार होते हैं यहाँ पर भी कपड़े। तुमने क्या लेना है वो देखो, कौन सा वाला है? सर्दी का है, स्वेट शर्ट्स है। अच्छी लग रही है ये, अच्छा है कि बड़ा वाला ही ले? ये मुझे लग रहा है छोटा पड़ जाएगा तेरे को पीछे से, वही 40 साइज ठीक है, पैर सीधा रख। हाँ नहीं थोड़ा सा छोटा लग रहा है, वही ठीक। एक पैकेट है, अच्छा लग रहा है, लेना नहीं? नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेंड्स में, ट्रेंड्स दिखाते हैं आपको। नोनी के हाथ में फिलहाल एक ही बैग है अभी तो, चलो चलते हैं। स्टार्ट ये आप ये सिपर है लग रही है ना, कैसी कैसी कैंडीज आ गई है, कितने डिजाइन के इसको देखो। एक गेंजल अभी भी खुला हुआ है, जाके देखिए क्या एक बार। पापा आ रहे हैं,
क्या ये 12 नंबर? नहीं 12 नंबर पापा आ रहे लोग के लिए, वो चॉकलेट्स हैं इधर। मम्मी ये क्या है, ये क्या है? अरे वो जिसके ऊपर वो रखते हैं ना चाय वाय पीते हो। ओह दिस गॉट टू नो राइट नाउ। बहुत चुड़िया इट है सर। ये देखो लाइट वाली वो है, इसको जला सकते हो आप। ये भी है मेरे पास ऐसा कुछ। हाँ वो उधर कपूर आई थिंक रख के आप कर सकते हो। वो प्लांट्स ये मम्मी बैग कितने मस्त मिल रहे हैं। अच्छा ये चमकता हुआ मुझे लगा, ये क्या है? ये फ्लावर होते हैं। प्लीज पैकेट ही नहीं ले, सोचा टिफिन में लेके जाओ। मस्त खड़ी है। उठा उठा उठा, मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे वो स्टॉल चाहिए था। शिट ऑल मिस्ड। Thank you.
या वेटिंग है, वेटिंग है। अरे उनके पैसे रह गए थे। आगे हम लोग घर थक थक आके निशा हो गई एकदम थक गए पूरी तरह से, और आज भी पूरा काम नहीं हुआ है। नोनी की जहाँ पे हम जीन्स देख रहे थे एक्चुअली मैक्स में गए थे, वहाँ पे दो तीन तरह की पसंद आई थी एक्चुअली, लेकिन अभी वहाँ का फैन चला ना बेटा, वहाँ का फैन चला दो, जो पसंद आई थी उसमें उसको जो उसका मेजरमेंट के हिसाब से उसका, नहीं ये वाला मत चलाओ, उधर वाला चलाओ, ओए उधर वाला। गर्मी लग रही है यार, थक गई, अभी चाय पियेंगे तो कुछ बात बनेगी। हाँ तो वो जीन्स उसको आई नहीं, तो मैं और पापा ना एक लास्ट वीक हम लोग गए थे मार्केट, अगर आपने पापा का ब्लॉग देखा होगा तो उसमें हमने दिखाया था हम लोग हो गए थे मार्केट, तो वहाँ पर हमने जीन्स देखी थी, हमें अच्छी लगी थी, पापा को भी अच्छी लगी थी, तो वही पापा बोल रहे थे कि वहीं चले जाना, बट मैंने कहा कि नहीं हम लोग एक बार मैक्सेस होके आएंगे, वहाँ पर बहुत सारे शोरूम्स हैं, पैंटलून है और ग्लोबस है, ग्लोबस से तो हमने शॉपिंग किया है, और मैं दिखाती हूँ आपको, लेकिन जीन्स और जो कपड़े उसको चाहिए थे वो नहीं लिए, टी शर्ट लेके आ गई, उसको अपनी पसंद की वाइट टी शर्ट चाहिए थी वो ले ली है। तो वैसे तो मुझे आपसे कुछ और बात भी करनी थी, एक्चुअली मैं करना नहीं चाहती थी, बट क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास में, मुझे DM आ रहे थे और कमेंट भी आए थे, जो मेरा दूसरा चैनल है ब्यूटी वाला चैनल है उसके ऊपर मुझे आते थे कि मैम आप अपने ब्लॉगिंग में अपनी बेटी के साथ हमेशा दिखाई देते हैं, आपका बेटा बहुत रेयरली कहीं आता है या शायद जाता भी नहीं है कहीं बाहर, तो आप उसको क्यों नहीं दिखाते हो, आप पर्पसली उसको नहीं दिखाते हो। तो यार मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि वो आना ही नहीं चाहता है व्लॉगिंग में, वो कहता मुझे अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा सा शाई नेचर का है, फेस कैम नहीं दिखाना चाहता, फेस हाँ वो नहीं आना चाहता है, और दूसरा उसको ना बाहर आना जाना पसंद नहीं है। आज भी मैं और नोनी गए हैं और पापा भी वहीं पे पहुंच गए थे, लेकिन वो उसको जब भी टाइम मिलता ना वो अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में चले जाता है, उसको एनिमेशन मूवीज 3D अपना जो भी उसका रहता है उसमें वो मूवीज मेकिंग में रहता है, एनिमेशन वगैरह में, तो वो कहता है कि मुझे जितना टाइम मिल रहा है मुझे उसी के लिए मिल रहा है, मतलब ऐसा सीन है उसका, तो वो एक्स्ट्रा कहीं एक्सेस में जाता है। इवन हम लोग उसको बोलते हैं कि हम हॉलीडेज पे कहीं जाना है तो भी वो बोलता है मैं घर पे रह लूँगा दो तीन दिन के लिए, आप इंतज़ाम कर दो मेरा, ऐसा सीन है, नहीं तो मेरा लैपटॉप लेके चलो, मैं अपने लैपटॉप के साथ ही जाऊँगा। तो आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट किए थे कि आप अपने बेटे को नहीं दिखाती हैं, अभी यहीं पर आगे खड़ा हो गया बात सुनने के लिए क्योंकि इसकी बात हो रही है, लेकिन वो आना ही नहीं चाहता, मैं क्या करूँ, मैं काफ़ी बार उसको बिठाती हूँ बट वो नहीं आता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है ना कि ये मेरा बेटा है, ये बैठी है एक आंटी यहीं पे, मैडम मेरी, आज इसी का दिन था, तो बस इतनी छोटी सी फैमिली है, यही मुझे कहना था। चलिए अब देखते हैं, अब मैं थक गई हूँ, इस व्लॉग की एंडिंग मैं यहीं करूँगी क्योंकि इसके बाद अब कुछ होने वाला है नहीं, मैं भी अब जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी, चेंज करूँगी और रेस्ट करूँगी, इसके बाद में अब कहीं नहीं जाना है, और घर पर भी हो सकता है कि रात को जो ये लोग खाना खाने वक्त, अभी तो नींद भी आ रही है एक्चुअली, एक तो सुबह की उठी हुई, रात को 12:30 बजे 1 बज गया था मुझे शूट करते करते, मैंने जो अपलोड किया तो फिर उसके बाद उठ भी मॉर्निंग में ही गई थी मैं, तो अब मैं जा रही हूँ, हो सकता है मैं सो भी जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पापा भी सो जाएंगे क्योंकि वो भी ऑफिस से ही आए हैं, बच्चे अपना अपना अब जो काम करेंगे, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में जहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी फिर बहुत अच्छी चीज़ें। आज के जो ब्लॉग था ना थोड़ा शॉपिंग वाला ब्लॉग था, आप देखिएगा जो मेरे आसपास ही रहते होंगे उनको पता चल जाएगा कि मैक्सिस में क्या क्या मिल रहा है क्या क्या नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ नया भी था, जाना जरूर चाहिए। तो इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। क्या है चूड़ियाँ पहनते वक्त मेरे हाथ में चोट लगी, आपको दिख रहा है, इसमें इतना ज़्यादा मतलब पानी लगने पे दर्द हो रहा है। अच्छा मैंने आपको वो तो दिखाया नहीं, मैंने नाक का कील चेंज कर लिया, आपने देखा, सी, और इसके पीछे की कहानी बताऊं, ये नाक का कील नहीं है एक्चुअली, ये जब नोनी छोटी थी तो मैंने इसके कान छिदवाए थे, तो छिदने के बाद में, हाँ तो कान छिदवाए थे ना, तो इसके वायर डाला था, गोल्ड का वायर जो डालते हैं ना, उसके बाद में पहला जो कान का जो भी वो होता है ना ज्वेलरी होती है
वो ये थी नूनी की। तो ये उसके कान क्या था, एक ये था और एक इसका जोड़ीदार था। तो जोड़ीदार इसका टूट गया था तो वो भी रखा हुआ है, लेकिन ये भी ये इसके कान का है जो कि मैंने मेरे नाक में पहन लिया। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है बड़ा कोका, मेरी मम्मी बड़े बड़े कोके पहनती थी। अगर मैं आपको अपनी मम्मी के कोके दिखा दूँ, मेरे पास ही है वो भी कोका, वो पूरा इतना बड़ा है, मतलब जो नाक का कील है वो इतना बड़ा है वो कोका। मेरी मम्मी को बड़े बड़े कोके अच्छे लगते थे क्योंकि मेरी मम्मी का मुंह बड़ा था। और मैं कुछ कुछ अपनी मम्मी के ऊपर गई हूँ, मेरे ये जो पोपट हैं ये मेरी मम्मी के जैसे हैं। अगर मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, चलो यहाँ पर मैं फोटो डालूंगी मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी का फेस काफ़ी बड़ा था, उसी हिसाब से मेरा भी फेस है और मुझे भी बड़े बड़े कोके अच्छे लगते हैं। जैसे ये है ना, ऐसे ही बड़ा सा, अब एक बड़ा वाला खरीदूंगी। अभी टाइम नहीं था तो मैंने यही पहन लिया, मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, कुछ कुछ बातें आपके साथ शेयर ज़रूर करने का दिल करता है मेरा।